है ना आपको पर्दा जो है बिल्कुल किस तरीके से करना है। इनका हेलो टोटो शूट हम लोग कंप्लीट हो गया, हम लोग जेपी से जा रहे हैं। पहले मेरा असली नाम बोलो। असली नाम बताओ। हेलो मोनिका जी। चैनल डेड पहाड़ी बॉय। सो आज का व्लॉग एक बार फिर से शानदार और एक बार फिर से यादगार। तो आज के व्लॉग में क्या है ना, हम लोग एक सॉन्ग शूट कर रहे हैं जो खुद हमारा डायरेक्शन होगा, मेरे फ्रेंड का डायरेक्शन होगा और कुछ अच्छा सा शूट होने वाला है शायद एक बहुत बेहतरीन सॉन्ग पे। और एक बहुत अच्छी लड़की है हमारे साथ, एक बहुत अच्छी फ्रेंड है हमारी और एक बहुत अच्छी एक्टर है हमारी जो बहुत सालों से हमारे साथ थी, लेकिन पिछले 3-4 साल से मिलना नहीं हुआ था तो बहुत दूर हो गई थी। लेकिन पता चला कि दिल्ली में, तो मैंने जस्ट कॉल किया और वो एक कॉल पर आ गई लड़की। और सॉन्ग का शूट बस जस्ट स्टार्ट होने वाला है फिलहाल, मैंने इसलिए ओपनिंग यहाँ से की ताकि मैं दिखा सकूँ लोकेशन क्या है। और बहुत छोटा सा सॉन्ग रहेगा आपका, आपका फेवरेट होगा, जो रोमांटिक कपल हैं, जो रोमांटिक लोग हैं उनका बहुत फेवरेट होने वाला है। तो देखते हैं क्या है सॉन्ग शूट और सॉन्ग में कितनी मस्ती होती है, उसके लिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ और आपके लिए स्पेशली डाल रहा हूँ कि कितनी मस्ती हम करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सॉन्ग का पहला सीक्वेंस शुरू होने वाला है, सुबह के बज रहे हैं 10। तो देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है। सो गाइस, शी इज द वन जिसकी मैं बात कर रहा था, मतलब 4-5 साल से टोटो से मिले नहीं थे। टोटो नाम है, बड़ा अजीब नाम है, दुनिया पूछती है कि टोटो नाम क्यों है। तो 4-5 साल से मिलना नहीं हुआ था, लेकिन आज ऑन द स्पॉट जब और मिलते ही इसने मुझे रुला दिया। सी ये देखो, बिना ग्लिसरिन के आंसू, मतलब टोटो निकाल के देखो। तो बस यही था। कौन सा क्या चल रहा है टोटो वैसे अभी? चार साल बाद मिले, फिर ना मिलेगा भी एक बार और। तो गाइज एक सॉन्ग शूट है छोटा सा, उसकी बैंड जैसी है मेकिंग जो है, मैं आपको बहुत जल्दी गाने से पहले अपलोड कर दूंगा ताकि थोड़ी सी मस्ती देख के आप एक्साइटेड हो गाने देखने के लिए। तो जो टोटो है इनका असली नाम जो है मोनिका है, मोनिका है, मोनालिसा, मोनिका, सॉरी मोनिका नाम है। और एक बैड बैड का कुछ सीन था छोटा सा जहाँ रो रही है, इनका साथी जो है चला जाता है, साथी कौन है वो मैं आपको बता दूंगा।
गाइस शूट से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और अगर बालकनी में बैठे हैं तो चाय की चुस्कियां तो बनती है। सो गाइस आप इतने दिनों से एक मैसेज करते जा रहे हैं कि भैया आप इतने दिनों से घूमते रहते हैं, आज इस सिटी में आज उस सिटी में हमेशा ब्लॉग शूट करते रहते हैं, तो क्या आप यूट्यूब से इतना इनकम अर्न कर लेते हैं? सो गाइस मैं आपको बता दूं, मैं इन दिनों जो है एक विनोमो ट्रेडिंग ऐप यूज कर रहा हूं, जो कि एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और जिसके थ्रू मेरी थोड़ी सी जो है एडिशनल इनकम हो जाती है। और गाइस ये ट्रेडिंग के लिए सिक्योर ऐप है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सो गाइस आपको करना क्या, आपको सबसे पहले विनोमो ऐप डाउनलोड करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर मेरे देख रहे होंगे। इसे डाउनलोड करने के बाद आप देख रहे होंगे मेरे रियल अकाउंट में 47,884 रुपीस पड़े हैं और इसमें आपको ऑप्शन कहीं मिलेंगे जैसे मेक डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट। तो अब जैसे हम लोगों को इसमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो इसमें आपको ऑप्शन दिखेंगे 73,5700 से लेकर 65,000 तक आपको इन्वेस्ट करने का मिलेगा। लेकिन जैसे कि मुझे 7,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो मैंने 7,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। तो अब ये ग्राफ देख के मुझे प्रेडिक्ट करना है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे जाएगा। तो मुझे देख के लग रहा है कि ये ग्राफ जो है अप जाएगा, तो मैं अप पे क्लिक कर देता हूँ। और अब पे क्लिक करते हैं, मेरे रियल अकाउंट से जो है 7,000 रुपये कट गए और अब बचे हैं 40,884 रुपीस। सो गाइस ये देखिए 7,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद मेरी जो है इनकम जो है 12,740 हो गई। मतलब मैंने 7,000 रुपये इन्वेस्ट करके 12,000 रुपये कमा लिए। तो और जो कि मेरे रियल अकाउंट में ऐड हो चुके हैं 53,624। सो गाइस अगर आप ये 3 डॉट देखेंगे तो इसमें आपको बैलेंस में जाएंगे तो आप बैलेंस में देखेंगे कि 53,624 मेरे इतनी अमाउंट रियल अकाउंट में पड़ी है। और अगर आप मुझे और भी डिपॉजिट करने हैं तो मैं मेक डिपॉजिट में जाऊंगा। अगर ये मनी मुझे विड्रॉ करना है तो मैं विड्रॉ फंड्स में जाके ये पैसे निकाल लूँगा। इसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहती है तो आप इनके सपोर्ट सिस्टम में जाके इनसे चैट कर सकते हैं और अपनी कोई भी प्रॉब्लम का इनसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। सो गाइज यू कैन ऑल्सो ट्रेड ऑन विनोमो ऐप एंड यू कैन ऑल्सो अर्न अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा इनकम। सो गाइज व्हाट यू हैव टू डू इज जो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको सीधा $1,000 आपके डेमो अकाउंट में चले जाएंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बन सकते हैं मेरी तरह प्रो। सो गाइज आफ्टर प्रैक्टिस विद डेमो अकाउंट व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट एनफ देन ओनली ट्रेड विद रियल अकाउंट। सो गाइज बैक टू द वर्क। कौन जीतेगा देखते हैं दोनों में से। तो गाइस हमारा कैमरा पर्सन इतना बिजी है, पता नहीं किसे बुला रहा, कपल्स को आर्टिस्ट को समझ ही नहीं आ रहा। और ये बुलन मुझे पहना दिया टोटो, पिलो फाइट इज ओवर है। तो भाई एक सीन जो है कंप्लीट होने वाला है, ड्रेस भी कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद फ्लैट का पूरा कंप्लीट सीन कर ले ताकि आगे जरूरत ना पड़े। और इसके बाद सीधा हाईवे, हाईवे से GIP मॉल और सब लोग वहाँ पे आ जाए। कुछ करना होता है तो भाई सोमवार के दिन, सॉरी मंगलवार के दिन चिकन खिला दिया इस लड़की ने। मैंने कुछ भी नहीं खिलाया, ये जितना भी खाना देख रहे हो ना ये सब जो है मैंने ऑर्डर नहीं किया। पता नहीं इतनी भूख कैसे लग गई। क्या क्या ऑर्डर कर दिया टोटो बताइए जी। ये कुछ चिकन बिरयानी था जो मंगलवार था, हाँ मैंने नहीं खाया। और इसमें फ्रेंच फ्राइज और बर्गर था, ये कोल्ड कॉफी है और ये कुछ शूट के लिए बचे हुए हैं जो मैंने अभी खाए नहीं है। और बाकी सब ग्रेवी। तो भाई कंप्लीट हो चुके हैं 2 सेशन कम से कम, एक फूड का था यहाँ पे कुछ कर लिया, रूम का हो गया। अब इसके बाद क्या क्या आज का डायरेक्शन भाई लड़की कर दिया, थोड़ा बहुत जाएंगे देन ड्राइव पे जाएंगे देन मॉल में जाएंगे एंड देन और भी कहीं जाएंगे वो नहीं बता रहे। दोबारा भी अरे खुद की रहो। यहाँ पे हिमांशु भैया लोकेशन भी दिखा देता हूँ, बढ़िया लोकेशन है यहाँ पे।
भाई फोटो बाद में दिखाना, पहले क्लिक तो कर लो। फोटो क्लिक हो गया यहाँ पे। ये कैमरा पर्सन हमारा तो भाई एक पोजीशन जो है कंप्लीट हो चुकी है मॉल की। कौन सा मॉल था? जीआईपी है। आई डोंट नो। जीआईपी की जो है एक लोकेशन कंप्लीट हो चुकी है। टोटो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। टोटो बिहाइंड द सीन कभी किए हैं? नॉट एट ऑल। ओह माय गॉड। तो भाई एक सीन जो है कंप्लीट है, इसके बाद थोड़ा जल्दी जाना था मैम को तो छोड़ना पड़ रहा है बीच शूट के बीच। और इसके अलावा कल मिलते हैं, व्लॉग लेकिन कंटिन्यू रहेगा, इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा, कोई कल वल का नहीं होगा। हाँ। तो कितनी लाइन हो गई हमारी वैसे गाने की? गाना कौन सा था ये तो बताना नहीं है। नहीं, बट टू पैराग्राफ आई गेस हो गए मेबी। अच्छा, दो पैराग्राफ हो गए हैं। चलो बहुत बढ़िया। और आगे अब क्या क्या करने वाले हैं? थोड़ा आगे का कपड़े कम पड़ गए थे मुझे लग रहा है, कपड़े चेंज करते हैं। कपड़े बहुत ज्यादा, बट एक्चुअली टाइमिंग का इशू है। लग रहा है कपड़े चेंज के लिए दिक्कत हो गई थी। अब टोटो जाएगी घर, घर जाएगी, चेंज करके आएगी, चेंज करके वापस आएगी। ठीक है, थैंक यू। ए वन शूट हम लोग कंप्लीट हो गया, हम लोग जेपी से जा रहे हैं। हमारे साथ में यो ब्रो, यो ब्रो, इनका हेलो टोटो। मेरा असली नाम बोल, असली नाम बता। हेलो मोनिका जी। देखो इधर से आ रहे हैं भागते हुए, कैमरे में देख बार पोज, उधर वाले कैमरे में दिखा, मैं अब इनके तरफ कर रहा हूँ। आप लोग बहुत जल्दी पीछे जा रहे हो, लाइट कम हो रहा है। सो गाइड, डे सेकंड इन द नाइट और इम्परफेक्टो में है नोएडा, सेक्टर 18, गार्डन ऑफ गलेरिया। तो व्लॉग डे का शूट हो चुका है। फर्स्ट डे पे जो है कपड़ों की थोड़ी कमी हो गई थी, मे बी कपड़े चेंज करने गए थे, तो कपड़े कंप्लीट हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं और शूट भी हो चुका है। शूट की
कुछ झलक मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि व्लॉग में शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो शूट थोड़ा इवनिंग का था तो थोड़ी शाम उसमें दिखेगी आपको, उजाला थोड़ी दिखेगा। और अभी रात के बज रहे हैं तकरीबन 8, और एक बार फिर से सबकी प्यारी दुलारी टोडो इधर आ जाओ जरा। तो टोडो हमारे साथ है। टोडो कैसा रहा फिर आज का? बहुत बढ़िया। क्या 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 किया आज सीक्वेंस? आज चेंज हुआ है क्या कुछ ड्रेस में? हाँ, ड्रेस पहले भी हो जाता था बट वी हैव शॉर्ट टाइम, ओके, सो अभी हमने इवनिंग में स्टार्ट किया है और सब कुछ परफेक्टली चल रहा है अभी। और इसके साथ ही हमारे दो बड़े धुरंधर कलाकार हैं, अमन प्लीज कम बेबी। तो आप कह रहे थे हमारी टीम कौन सी होती है, तो ये हमारी टीम है। तो भाई अपनी डेजिग्नेशन के बारे में बता दो, मुझे आइडिया नहीं है थोड़ा, क्योंकि सब डायरेक्शन और कैमरा इतने अच्छे से कर रहे थे, मैं समझ ही नहीं आ रहा किसको क्या नाम दूँ। अमन, मैं तो सिनेमेटोग्राफी कर रहा था भैया की वीडियो पे, और ये भाई जो है डायरेक्शन कर रहा था। बाकी हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है इस वीडियो में और आ ही जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने 15-20 दिन पहले जो है शूट कर लिया है, पूरा रिप्राइज है, तो मे बी आपको पसंद आए। मेरी टीम ये है, बस चार लोगों ने मिलकर इतना धांसू काम किया है ना, बस अब एडिटिंग पे सब डिपेंड करता है, एडिटिंग कैसा होगा। ये ब्लॉग तो मैं कुछ ही दिन बाद अपलोड कर दूंगा, तो एडिटिंग पे ब्लॉग करता है। स्पेशल थैंक्स टू दीज पीपल एंड ऑफकोर्स टोटो, जो इतनी दूर से बेचारी आई है, वसंत कुंज, आप ड्यूटी छोड़ के आई है भाई, बताना नहीं है, अच्छा बताना नहीं है, सॉरी। तो थैंक यू सो मच ऑल, और आप प्लीज़ ब्लॉग देखिए, ब्लॉग आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और गाना जल्दी से रिलीज करते हैं, होप आपको पसंद आएगा। राइट, या थैंक यू, बाय बाय।